मेमोरी टास्क में प्रतीक सहजपाल को मिले दो ऑप्शंस और दो करीबी दोस्त में से आखिरकार प्रतीक सहजपाल नेहा को चुनेंगे या फिर निशांत को। बेसिकली नेहा और निशांत दोनों ही प्रतीक के दिल के करीब हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किसकी यादों को प्रतीक अपने साथ लेना चाहते हैं और किसकी यादों को वहीं डिलीट करना चाहते हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए बताऊंगी आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सगदा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। गाइज, बेसिकली आपको बता दूँ कि वेल बिग बॉस OTT घर के अंदर अब जो फिलहाल एक बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर है, फिनाले बेहद ही करीब है। ऐसे में घर के अंदर हुआ मेमोरी टास्क और मेमोरी टास्क में कंटेस्टेंट्स को अपनी बेस्ट मेमोरीज अपने साथ रखनी थी, अपने पास रखनी थी और जो उनकी वर्स्ट मेमोरी थी उन्हें वो डिलीट करना था। ऐसे में प्रतीक के पास दो ऑप्शंस थे, उन्हें नेहा या फिर निशांत, किसी एक की मेमोरी को अपने साथ रखना था और किसी एक की मेमोरी को डिलीट कर देना था। ऐसे में आपको बता दूं कि वेल प्रतीक के पास सामने ये बहुत टफ डिसीजन था, बिकॉज दोनों ही काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे। नेहा भी दिल के काफ़ी करीब रही हैं हमेशा से प्रतीक के, और निशांत तो हमेशा से उनके डे वन से ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड रहे हैं। वेल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रतीक ने नेहा की मेमोरीज को अपने दिल के करीब रखा और निशांत की मेमोरीज को फाइनली श्रेड कर दिया। तो क्या प्रतीक सहजपाल नेहा को दिल के करीब ज़्यादा रखना पसंद करेंगे एज कंपैरिजन टू निशांत? वेल गाइज, आपको बता दूं कि वेल प्रतीक का ये डिसीजन काफ़ी टफ था, लेकिन प्रतीक ने फाइनली ये डिसाइड किया कि वो नेहा के मेमोरीज़ को अपने साथ आगे लेकर जाना चाहेंगे और निशांत की मेमोरीज़ को यहीं डिलीट करना चाहेंगे। सो वेल, इस खबर पर आपके क्या हैं रिएक्शंस कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया से जुड़ी हर एक खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।